पाकिस्तानी होके तुम इंडिया की तारीफ करते हो, रोहित शर्मा को आप फेवरेट प्लेयर कहते हो, क्यों करते हो आप ऐसा? आप पता नहीं आपकी इंडिया की टीम कितनी फजूल है, इतनी फारिग टीम है इंडिया की यार, लेकिन उसे लड़े तो वो जीत नहीं सकते हैं। आप उनको कहते हो कि वर्ल्ड क्लास टीम है, ये सब कुछ सुना हमने और अभी भी शायद सुनेंगे, बट इंडिया आंसर्ड देयर क्रिटिक्स प्रीटी वेल टुडे। और क्या कमाल विक्ट्री इंडिया ने हासिल की है विद अ लॉट ऑफ मार्जिन टुडे। अक्षर पटेल ने आके ब्रेक थ्रू दिया और उसके बाद इंडिया रुका रहा, विकेट पे विकेट मिलती रही, बैटिंग अच्छी स्टार्ट लिया गया इंडिया की जानब से, बट एंड में आके जो कोलैप्स तो नहीं है, क्या कोलैप्स नहीं कह सकते हैं उसको, बट जो स्लो लगा, गेयर पिछला लगा वो थोड़ा बुरा था, लेकिन फिर दीपक चार ने आके अच्छा छक्के मारे, वो स्कोर 184 तक उन्होंने पहुंचा दिया इंडिया का। बट ओवरऑल मेरा ख्याल इंडिया को यहाँ पर 200 रन करने चाहिए थे, 6 ओवर में आपके 69 हो जाए तो मेरा ख्याल है 200 रन तो आपके मस्ट होने चाहिए ऑन द बोर्ड, दैट इज वॉट आई थिंक। सो बाकी ओवरऑल इंडिया ने आज बहुत अच्छा खेला एक दफा फिर से, और आज पहला मैच इंडिया जीता 3 बॉल पहले जीता, दूसरा मैच इंडिया कन्विंसिंगली जीता, और आज आखिरी मैच में इंडिया ने डोमिनेट करते हुए, मैं कहता हूँ ह्यूमिलेट करके रख दिया न्यूजीलैंड को। हम कह रहे थे ना टॉस जीतो मैच जीतो, वैसे ये हुआ टॉस जीतो और मैच भी जीता इंडिया ने, लेकिन बैट सेकेंड एंड वन द मैच, बैट फर्स्ट एंड लूज द मैच, ये था वो ट्रेंड चल रहा था क्रिकेट के अंदर पिछले कोई 6-7 हफ्तों से, ये ट्रेंड चल रहा था वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तब से ये ट्रेंड चल रहा था, स्पेशली नाइट गेम्स के अंदर ये ट्रेंड भी इंडिया ने तोड़ा है और आराम से तोड़ दिया, यानी कि मुश्किल आई इंडिया को, इंडिया ने आराम से भैया यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराया है, और मतलब कितनी बुरी तरह आउट किया उनके सेकेंड इनिंग्स के अंदर, कोई ये तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे हारेगा, था कि अच्छा अगर इंडिया जीतता भी है तो एंड में मैच जाएगा मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की बैटिंग टोटल फेल गई सिवाय मार्टिन गुप्टिल की 51 की 36 बॉल्स पर उन्होंने, और यार मार्टिन गुप्टिल के अलावा खेल ही कौन रहा था, बाकी सब तो अभी शुगर लगाने आए हुए थे, मतलब 66 पे आउट हुए थे जो मार्टिन गुप्टिल आउट हुए, तो उसमें मार्टिन गुप्टिल के 51 रन से बाकी पूरी टीम के 18 रन से कोई, मतलब बाकी टीम क्या करने आई थी, मार्टिन गुप्टिल को देखने आई थी, क्यों आई थी बाकी टीम समझ से बाहर है। बट इंडिया प्लेड रियली गुड एंड इंडिया को जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, रोहित शर्मा को वो क्रेडिट मिलना चाहिए आई थिंक सो, और मार्टिन गुप्टिल को उनके इस तरह क्रेडिट मिलना चाहिए कि अगर ऐसी एक आदि नहीं वो वर्ल्ड कप के फाइनल में लगा देते तो न्यूजीलैंड शायद वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत सकता था अगर ऐसा होता, बट नहीं हुआ। ओके नाउ बट यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, दीपक चार को सल्यूट मारा यहाँ पर, सलूट ही मारा एक तरह से यार, जब दीपक चाहर ने वो शॉट लगाई थी, क्या शॉट मारी उन्होंने, रोहित शर्मा ने उसको अप्रिशिएट किया, आई थिंक दैट वाज रियली गुड जेस्चर फ्रॉम रोहित शर्मा, क्योंकि अच्छी शॉट थी, कमाल शॉट मारी थी दीपक चाहर ने। ओके कमिंग ऑन, उसके साथ साथ रोहित शर्मा की हिमसेल्फ बैटिंग डे, एक और रोहित शर्मा ने रैकेट बना दिया, विराट कोहली के लिए 2020 हैज बीन अ डिजास्टर, मतलब 2021 हैज बीन अ डिजास्टर, बाबर आजम नंबर 1 बन गए ओडीआई में, कोहली की कैप्टनसी गई, मतलब खुद ही उन्होंने रिजाइन किया, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए, आरसीबी की तरफ से ट्रॉफी नहीं उठा पाए, और फिर रोहित शर्मा ने आज 30-50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और 30-50 बनाए T20 में, और मोस्ट 50 इन T20 क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो जो विराट कोहली के पास था वो आज रोहित शर्मा के पास है, और बहुत जल्द वो बाबर आजम के पास आने वाले। देखो यार अगर आप कहते हो ना डबल कैरियर है रोहित का बाबर का, रोहित और कोहली का बाबर से डबल कैरियर, आई टोटली एग्री विद यू, ऐसा बिल्कुल है ऐसा ही है, बट बाबर आजम ने अपने आधे कैरियर के अंदर 25 सेंचुरीज करी है, हाफ सेंचुरीज, एंड यू जस्ट नीड टू गेट एट द वेरी टॉप, और फिर लोग कहते हैं बाबर आजम इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, तो कौन सा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आप डेफिनेशन बताएं, आप अपनी डेफिनेशन ही बता दो, उसमें क्या ऐसा है जिस क्राइटेरिया के ऊपर बाबर आजम नहीं खड़े होते हैं, मतलब आप वर्ल्ड क्लास का कोई भी क्राइटेरिया रख लो उसके ऊपर बाबर आजम खड़े होते हैं, आप अपने से कोई भी क्राइटेरिया बना दो अगर उसको वर्ल्ड क्लास का क्राइटेरिया ना, तो देर इज नो वे दैट बाबर आजम डजंट एंटर दैट क्राइटेरिया, सिंपल इज दैट। तो बाय द वे रोहित शर्मा को हमको कैचुलेट कर रहे थे, रोहित शर्मा गेट्स 30 T20 50s एंड बिकम्स द बैट्समैन टू स्कोर द मोस्ट T20 50s, सो अ ग्रेट अचीवमेंट, अ ग्रेट रिकॉर्ड फॉर रोहित शर्मा, विद दैट रोहित शर्मा हैज वन 3 बैक टू बैक टॉसेस एंड मैचेस एज वेल, मतलब न्यूजीलैंड को 3 बैक टू बैक मैचेस हराए हैं, और न्यूजीलैंड की ये टीम थी जो वर्ल्ड कप के अंदर इतनी मुश्किल टीम बनी हुई थी और यहाँ पर आके ह्यूमिलेट हो रही है पूरी तरह से हार रही है, दैट वॉज द सेम टीम विच वॉज डूइंग वंडर्स इन द T20 वर्ल्ड कप, एक्सपेक्ट द फाइनल, जिस टीम के अंदर एक केन विलियमसन नहीं है उस टीम का आज ये हाल है, तो भाई दैट इज इट, दैट
दैट टेल्स इट एवरीथिंग. एक टीम के अंदर केन विलियमसन का इम्पैक्ट कितना है, केन विलियमसन का न्यूजीलैंड के क्रिकेट पे इटसेल्फ कितना इम्पैक्ट है वो इस सीरीज ने बता दिया है. नॉट जस्ट एज बैट्समैन, एज अ कैप्टन केन विलियमसन हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन न्यूजीलैंड क्रिकेट, स्पेशली प्लेइंग अबॉड, प्लेइंग नॉट इन द होम कंडीशंस. इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. और केन विलियमसन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट one of the best captains, he's the best captain right now on earth, man, he certainly is. और उनकी कमी महसूस हुई है. अब टेस्ट सीरीज के अंदर देखते हैं क्या सारा सिनेरियो बनता है. बट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मैच भी जारी है और वो भी मेरा ख्याल अच्छा मैच होना चाहिए. लेट्स सी अब होता है नहीं होता है, मुश्किल ही नज़र आ रहा है. बाकी जी कायद आजम ट्रॉफी भी हो रही है, आजम खान जबरदस्त कैचेस भी पकड़ रहे हैं. तो चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें. आपसे मिलने जा रहा हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक ये टेक केयर, गुड बाय, हाफिज. रोहित शर्मा इज बैक टुडे एंड हिज कैप्टनसी टुडे वॉज द की फॉर इंडियाज विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड इन द टी20 सीरीज एंड व्हाइट वॉशिंग देम. बाय बाय.